हेलो दोस्तों, सोच ग्रहणी की में आपका स्वागत है। दोस्तों, गर्मी का सीजन आ चुका है और इस गर्मी के मौसम में हमें ठंडी ठंडी चीज़ें खाने और पीने में बहुत अच्छी लगती है। इस गर्मी के मौसम में पीने के लिए एक नहीं बल्कि 5 ड्रिंक लेकर आई हूँ, जो टेस्टी भी है और हेल्दी भी है और इसे बनाना तो बिल्कुल ही आसान है। तो चलिए बिना देरी के हम बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला छाछ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके लिए हमें चाहिए 2 बड़ा चम्मच दही, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा पुदीना का पत्ता, आप चाहें तो दोनों में से एक भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा अदरक, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। इसे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, जब भी छाछ बनाए इसमें जीरा का भुना हुआ पाउडर जरूर डालें। और इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा काला नमक, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा आइस क्यूब, ठंडा पानी। अब इन सभी को कर लेंगे ग्राइंड। अब इसे हम छान लेंगे, जो भी मोटा पत्ती होगा सारा निकल जाएगा। अब इसे ग्लास में डाल देंगे। गर्मी के मौसम में छाछ तो पीना ही चाहिए, इससे पेट ठंडा रहता है। अब इसके ऊपर डालेंगे आइस क्यूब, पुदीना के पत्ते और तैयार हो गया है मसाला छाछ। गर्मियों में इसे जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही हेल्दी है और मेहमानों को भी सर्व करें। अब हम बनाने जा रहे हैं गुड़ का शरबत, जो सेहत के लिए हेल्दी है और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। तो चलिए अब बनाते हैं गुड़ का शरबत। इसके लिए हमें चाहिए 4 चम्मच गुड़, आप क्वांटिटी में कम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा सा पुदीना का पत्ता, काला नमक से टेस्ट बहुत बढ़िया बनकर आता है, नींबू का रस, थोड़े से आइस क्यूब। अब इसमें डाल देंगे ऊपर से ठंडा पानी और इसमें कुछ नहीं डालेंगे। अब इसको ढक कर इसका जूस तैयार कर लेंगे। अब इसे हम छान लेंगे। आपको याद है, अगर आप गांव में विलोम करते होंगे तो गांव में पहले मेहमानों को गुड़ और पानी दिया जाता था, और आज इसका हम शरबत बना के तैयार कर रहे हैं। अब ग्लास में डाल देंगे आइस क्यूब, गुड़ का शरबत, इसका जो टेस्ट है आपको ईक का शरबत जैसा ही लगेगा। और इसके ऊपर में डाल देंगे पुदीने के पत्ते। तो लीजिए, तैयार हो चुका है गुड़ का शरबत, जो पीने में बहुत ही टेस्टी है और यह ठंडा भी प्रदान करता है, और बच्चों को भी पिलाइए, बहुत ही बढ़िया है। आज हम बनाने जा रहे हैं सत्तू का शरबत, जो गर्मियों में हमें पीना ही चाहिए। शरीर में पानी का जो कमी है, ये सत्तू का शरबत पीने से पूरा हो जाता है। सत्तू का शरबत पीने के बाद हमें प्यास ज़्यादा लगती है और हम पानी ज़्यादा पीते हैं, तो हमारे शरीर में जो भी पानी की कमी होती है, ये शरबत पीने के बाद सारी कमी पूरी हो जाती है। अब हम बनाएंगे सत्तू का शरबत। इसके लिए हमने लिया है 1 बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, अगर बच्चों को पिलाना है तो हरा मिर्च हटा दीजिएगा, थोड़ा सा पुदीना का पत्ता। आप इसके बिना भी बना सकते हैं, बिना पुदीने का भी बहुत अच्छा लगता है, बिना पुदीने का भी बहुत टेस्टी लगता है। थोड़े से आइस क्यूब, 2 चम्मच सत्तू, 2 नींबू का रस,
नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा काला नमक। इसमें डालेंगे पहले थोड़ा सा पानी, ठंडा पानी डालेंगे, ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे ताकि सत्तू सब अच्छे से घुल जाए। अब इसमें डाल देंगे ठंडा पानी। अब इसके बाद फिर थोड़ा सा हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा आइस की बॉल डाल देंगे। आइस तो लीजिए दोस्तों, यह तैयार हो चुका है सत्तू का शरबत, जो गर्मियों में पीना ही चाहिए। यह बहुत ही ठंडक देता है, गर्मी में हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अगर आप सत्तू का शरबत एक बार पी लीजिएगा तब दिन भर अच्छा सा प्यास लगेगा और आपके शरीर में पानी की जो मात्रा कमी है वो पूरा हो जाएगा। अब हम बनाने जा रहे हैं तालबू का जूस, जो देखने में और पीने में बहुत ही टेस्टी है। इसका जो टेस्ट है वो मीठा और चटपटा है, एक बार इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमें चाहिए एक कप कटा हुआ तरबूज, इसमें बहुत बारीक काटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक चम्मच नींबू का रस, एक चम्मच चीनी, थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ा सा डालेंगे इसमें काला नमक, इसे टेस्ट बहुत बढ़िया बनकर आता है। थोड़ा सा पुदीना का पत्ता, अगर आपको पुदीना के पत्ते अच्छे नहीं लगते हैं तो आप उसे हटा भी सकते हैं। इसमें डालेंगे चार आइस क्यूब। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ठंडा पानी। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब इस जूस को हम छान लेंगे, इसमें जो भी बीज होगा या मोटे पत्तियां होंगे सारे निकल जाएंगे। अब हम लेंगे सर्विसिंग ग्लास और इसमें डालेंगे थोड़े से तरबूज के छोटे छोटे पीसेस, तरबूज के जूस, अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाट मसाला से इसका टेस्ट और भी चटपटा हो जाता है। कुछ पीसेज आइस क्यूब के, ऊपर से पुदीना के पत्ते से कर देंगे इसे गार्निश। और ये तैयार हो चुका है तरबूज का जूस, जो बहुत ही टेस्टी है। अब हम बनाने जा रहे हैं लेमन मिंट कूलर, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए बिना देरी के लिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक ग्लास, इसमें डालेंगे 2 से 3 स्लाइस लेमन या नींबू के स्लाइस, इसके साथ डाल देंगे पुदीना का पत्ता, 1 चम्मच चीनी का पाउडर। अब इसे क्रश कर लेंगे ताकि पुदीना का जो रस है वह निकल जाए। ये देखिए इसका जो रस है वह निकल चुका है, इससे इसका टेस्ट भी बढ़िया बनकर तैयार होगा। अब इसमें डाल देंगे आइस क्यूब। जब हम रेस्टोरेंट में लेमन मिंट कूलर का ऑर्डर करते हैं तो इसमें आइस क्यूब का मात्रा ज़्यादा रहती है, तो हम भी डालेंगे आइस क्यूब ज़्यादा। अब इसके ऊपर सोडा या स्प्राइट डाल देंगे, मैं इसमें स्प्राइट डाल रही हूँ। अब पहले इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि नींबू, पुदीना, चीनी सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अब स्प्राइट से इस ग्लास को फुल कर लेंगे। अब इसके ऊपर से कुछ और आइस क्यूब डाल देंगे, 1 नींबू के स्लाइस इसे डेकोरेट भी कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का ही आपको दिख रहा है। इसके साथ में हम
डेकोरेट करेंगे पुदीने के पत्ते से। लीजिए दोस्तों, यह तैयार हो चुका है लेमन मिंट कूलर, जो काफी टेस्टी है। तो अब आप भी ठंडी ठंडी ड्रिंक घर पर बनाइए और मेहमानों को पिलाइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय।